सर्वत्र विस्तृत जो है एक से अनेक बनकर, अथवा जो अनंत है वह ब्रह्म ही है। जो नित्य व्यापक है, सनातन है, समीचीन और प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, वह ब्रह्म ही है। एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है, सभी रूपों में, नाना रूपों में। वही एक नित्य विद्यमान सत्ता है जो अनेक रूपों में अनुभूत, भाषित, कल्पित होती है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो जो सर्वम है, जो सब है, यत्र तत्र सर्वत्र, यहां वहां और सभी स्थानों पे, वह ब्रह्म ही है। इसलिए ईश्वर की स्वीकृति, मान्यता, उपस्थिति, अनुभूति सनातन धर्मावलंबियों ने इस रूप में की कि वह एक ही सब है। ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत्। यत् किंचित्, तो जो कुछ भी है वह ईश्वर ही है। पवन, प्रकाश, प्राण, आकाश, धरा, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र, पादप, वनस्पति, पर्वत, नदियाँ, उसका प्रवाह, या नाना प्रकार के जीव जंतु, अनेक प्राणी, तो जो यहाँ विविधता है, वैविध्यता, बहुरूपता, अनेक रूपता, उस एक ब्रह्म की ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, जो विराट होकर, विस्तृत होकर, बहु रूपों में नित्य व्यवहारित होता है, जो अनेक सा दिखता है, अग्नि की दाहकता, जल की तरलता में, वायु के गंध, आकाश की अनंतता में, दिशाओं की व्यापकता, धरा की उर्वरा में, अथवा वनस्पतियों की सौकर्यता, सौरस्यता में, अथवा पुष्पों की सुगंधा, सुवास, उसके मकरंद में, भिन्न भिन्न दिखाई देकर, अथवा अन्न की पाचकता, पौष्टिकता, ऋतुओं में अलग अलग होकर, कि वो शीत है, शिशिर, हेमंत, वसंत है, वे वर्षा और ग्रीष्म है, अथवा काल की भी सत्ता में, कि भोर, सायं, रात, प्रभात है, वो इतना अलग होकर भी वो एक ही है। इसलिए यहाँ जो कुछ भी है वह उस एक का ही विस्तार है। कोई एक ही है जो बहुत से रूपों में है, ये भारतीय दर्शन कहता है। जो वैदिक मान्यता है, शास्त्रीय मान्यता है, जो पौराणिक स्वीकृति है, अथवा जो ऋषियों का अनुभव है, वो यही है। कि वो एक ही है, एकोऽहं भवेष्यामः। कोई एक अनेक हो गया और उसकी जो व्यावहारिक सत्ता है, अथवा उसकी जो प्रातिभासिक सत्ता है, या उसकी मूल पारमार्थिक सत्ता, अलग होने पर भी वो एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। इसे जो पुष्प में कुछ अलग अलग है, गंध, सुगंध, मकरंद, सौकर्यता, सौरस्यता के रूप में,
कुसुमता और सुरभिता के रूप में, उसके पल्लव पराग और उसमें जो एक अलग दीप्ति नवलता और प्रखरता है उस रूप में, एक ही है।